वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते वक्त अगर ये ऐसा पेज ओपन हो रहा है, दिस पेज इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर सिलेक्टेड सर्विस। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप दूर कर सकते हो, तो दोस्तों ये सब सीखने के लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको और सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और पेंशन का वार्षिक सत्यापन किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक टू ईमित्र पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बैक टू ईमित्र पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे फ्री सर्विस पे राज एसएसपी टाइप कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे एक नया सर्विस अवेलेबल हो जाती है, पेंशनर ईयरली वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और लॉग इन कर देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे यूटिलिटीज पे क्लिक करके ईयरली वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। पेंशन नंबर यहाँ पे डाल देना है और लेफ्ट हैंड का थंब लगाकर उसका सत्यापन कर देना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको किस तरीके का नया वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास में पेंशन नंबर नहीं है तो आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूं कि आपको यहाँ पे जनसूचना पोर्टल टाइप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाता है जनसूचना पोर्टल rajasthan.government.in, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, दोस्तों मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से अगर आपके पास पेंशन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर के द्वारा पेंशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है और यहाँ से योजनाओं के लाभार्थी पर क्लिक कर देना है। क्लिक है टू स्कीम पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। ये होम पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है और क्यू ऐसे पे आपको यहाँ पे कोने पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है। और आपको यहाँ पे अगर आपके पास CPO नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर के द्वारा भी आप पेंशन नंबर प्राप्त कर सकते हो और बैंक अकाउंट के नंबर के द्वारा भी आप पेंशन नंबर और जन आधार के द्वारा भी आप पेंशन नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने आधार के द्वारा पेंशन नंबर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है और ओजे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओजे पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी के लिए और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए बेस्ट नाउ 24 के नाम से वेबसाइट है अपनी, तो आप इस पे विजिट करके भी आप आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पेंशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो bestnow24.blogspot.com के नाम से साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इस पे आप विजिट कर सकते हो और यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करके आप वृद्धावस्था पेंशन योजना की सारी जानकारी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने बना रखा है, यहाँ से आप इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। और यहाँ से जैसा कि आपको आ गया है पेंशन नंबर, तो आपको ये पेंशन नंबर यहाँ पे डाल देना है और अपना शो करके सत्यापन कर देना है लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाकर। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।